and welcome back to my channel Sirf IAS. तो हम ना continue कर रहे थे हमारा PIB जो 2019 year का था, उसका September month का आज हम आपके लिए पूरा complete analysis लेकर आए हैं. सारी topic इसमें cover कर दी है मैंने एक video में, पूरा ही month complete हो जाएगा, आपके लिए भी easy रहेगा. तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. चलिए शुरू करते हैं. पहला टॉपिक है हमारा UNCCD COP14. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब COP14 जो यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट, मतलब फाइट करने के लिए डेजर्टिफिकेशन को, मतलब यूएनसीसीडी जो है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी की, ठीक है, ये 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई इंडिया के एक्सपो सेंटर और मार्ट में, ग्रेटर नोएडा में. कुछ बातें जानिए इसके बारे में. तो ब्राजील, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, रशिया और साउथ अफ्रीका ने अग्री करा है कि बनाएंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने का, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को एक अपना नेशनल टारगेट बना देंगे. ये है ना, ये करना ही हमें. अब दिल्ली डिक्लेरेशन ये फॉर्म करेगा फ्यूचर कोर्स इस एक्शन में. कुछ बातें जानिए यूएनसीसीडी के बारे में. तो जो यूएनसीसीडी है ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है गुड लैंड स्टेवर्डशिप पे, ठीक है. ये हेल्प करता है लोगों को, कम्युनिटीज को और कंट्रीज को कि वो बनाए बढ़िया वेल्दी ग्रो, अपनी ग्रो करें इकोनॉमीज को और सिक्योर करें बढ़िया अच्छी सप्लाई हो, अच्छे इनफ सप्लाई हो फूड की, वाटर की और एनर्जी की, ठीक है. किस द्वारा, इंश्योर करके कि जो लैंड यूजर्स हैं वो इनेबल करें बढ़िया एनवायरमेंट सस्टेनेबल और मैनेजमेंट के लिए, है ना. खूब अच्छा सा हो, लैंड यूजर्स अच्छे से करें और डेजर्ट कम हो और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ जमीन बने. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मैकेनिज्म रिवीजन ऑफ इथेनॉल प्राइस फॉर सप्लाई टू पब्लिक सेक्टर और मार्केटिंग कंपनीज. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कैबिनेट ने अप्रूव करा एक मैकेनिज्म रिवीजन करने का ऑयल के प्राइसेस फॉर सप्लाई टू पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग कंपनीज OMCs, ठीक है, फॉर प्रिक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल. कब से, दिसंबर 19 से एक साल के पीरियड तक के लिए. कुछ बातें इसके बारे में जानने. तो जो OMCs है, मतलब ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है, उनको एडवाइस करा गया कि वो कंटिन्यू कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ एथेनॉल फ्रॉम किससे, शुगर केन जूस, शुगर और शुगर सिरप से, बी क्या है क्या कहते हैं हैवी मोलासेस से, और तीसरा क्या है हैवी मोलासेस और डैमेज फूड ग्रेन्स या फिर अदर सोर्सेस से, इन दैट ऑर्डर, ठीक है. सारे जो डिस्टिलरीज जो होंगे वो टेक, मतलब बेनिफिट ले पाएंगे इस स्कीम का, और लार्ज नंबर ऑफ जो उसमें होंगे वो एक्सपेक्टेड है कि वो सप्लाई करेंगे एथेनॉल फॉर EBP प्रोग्राम के लिए, ठीक है. रेम्यूनरेटिव जो प्राइस होगा एथेनॉल सप्लायर्स का वो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में केन फार्मर्स को के एरर्स, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू मिनिमाइजिंग डिफिकल्टी ऑफ शुगर केन फार्मर्स. जो एथेनॉल की अवेलेबिलिटी होगी फॉर EBP प्रोग्राम ये एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज करेगी सिग्निफिकेंटली ड्यू टू हायर प्राइस बीइंग ऑफर्ड, क्योंकि हायर प्राइस ऑफर करा जा रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए एथेनॉल का सारे ही शुगर केन बेस्ड रूट से, ठीक है. तो इससे ये है कि इसकी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ठीक है. सब्सिडी जो पार्शियल शुगर केन जूस रूट है और 100% शुगर जूस रूट है, 100 शुगर केन जूस रूट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार है जब अलाउ हो रहा है शुगर और शुगर सिरप का एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. जो इंक्रीज एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब जैसे रिडक्शन होगा इंपोर्ट डेफिशिएंसी डिपेंडेंसी, मतलब जो हम बाहर से मंगवाते हैं पेट्रोल ज्यादा खपता है तो ज्यादा हमारे यहाँ जो ब्लेंड हो जाएगा तो इससे इंपोर्ट हमारा कम होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा तक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल रहेंगे, लेसर पोल्यूशन होगा और एडिशनल इनकम होगी हमारे फार्मर्स को. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEP. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा ने अज्यूम करा चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज AWEP की फॉर द टर्म 2019 से 2021 तक के लिए, एज इंडिया टेक्स ओवर चेयर फ्रॉम रोमानिया, ठीक है. कुछ बातें इसके बारे में जान ले. तो इंडिया वॉज अनएमिनेसली नॉमिनेटेड टू बी द चेयर, वाइस चेयर ऑफ AWEP एट द लास्ट जनरल असेंबली जो की हुई थी ब्रूचारेस्ट में 2017 में, ठीक है. तो AWEP फ्लैग जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया टू न्यू चेयरमैन श्री सुनील अरोड़ा को. जो फ्लैग है वो रहेगा विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द 2 ईयर टर्म, कब तक के लिए, 2021 तक के लिए. तो जो सीईओ आपके जो
सुनील श्री सुनील अरोड़ा है अलॉन्ग विद दो और इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के, मतलब इनका नाम है श्री आलोक लवासा और श्री सुनील चंद्रा, ये भी लॉन्च करेंगे ईसीआई के क्वार्टरली मैगजीन वॉइस इंटरनेशनल, है ना, जो शेयर करती है बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम मोर देन 25 कंट्रीज से। क्या है, इंडिया जो है जो होस्ट नेशन है फॉर फोर्थ जनरल असेंबली हैज बीन वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ AWEP, ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है इंडिया हमारा AWEP का। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है 3-day AWEP मीटिंग्स को बैंगलुरु में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनिशिएटिव एंड चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इलेक्शंस वाज हेल्ड ऑन कंक्लूडिंग डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, एज अ पार्ट ऑफ ऑन गोइंग इंडो यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन एक जॉइंट, देखिए हम युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं, हम करते हैं यूएस के साथ में, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2019 को जो है वो कंडक्ट करा गया एट जॉइंट बेस लुइस मैक कॉर्ड वॉशिंगटन यूएसए में 5-18 सितंबर 2019 तक के लिए। याद रखिएगा, बस मेन इसमें पॉइंट ये है कि युद्ध अभ्यास जो है वो यूएस और इंडिया की जो है वो मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। कुछ बातें जाने तो एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वाइंट रनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग है और डिफेंस कॉर्पोरेशन है जो एंडेवर करता है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। दिस वॉज द 15th एडिशन, ये 15वां एडिशन है, याद करेगा, पहला दूसरा नहीं है, 15वां एडिशन है ज्वाइंट एक्सरसाइज का जो कि होस्ट करा गया है ऑल्टरनेटिवली बिटवीन द टू कंट्रीज। बट द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इंडक्शन ऑफ AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, IAF इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट करा AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इनटू इट्स इन्वेंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में। ये आ गया है अपाचे AH-64E अपाचे पठानकोट में आ गया है एयरफोर्स स्टेशन में। कुछ बातें जान लिए तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो परचेज हो रहे हैं रिप्लेस करने के लिए MI-35 फ्लीट को। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, MI-35 फ्लीट को, ठीक है, अलॉन्ग साइड द कैपेबिलिटी टू शूट फायर एंड फोगेट एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एयर टू एयर मिसाइल्स रॉकेट एंड अदर एमिनेशंस। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है इनके पास एक मॉडर्न EW कैपेबिलिटीज भी है प्रोवाइड करने की वर्सेटैलिटी टू हेलीकॉप्टर्स इन अ नेटवर्क सेंट्रिक एरियल वॉरफेयर। जो हेलीकॉप्टर है वो कैपेबल है डिलीवर करने की वैरायटी ऑफ वेपन्स को जो इंक्लूड करते हैं एयर टू ग्राउंड हेलीफायर मिसाइल्स 70mm हाइड्रा रॉकेट्स एंड एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल्स। अपाचे जो है वो भी कैरी करता है 1mm चेन गन को विद 1200 राउंड्स एज पार्ट ऑफ एरिया वेपन सबसिस्टम। अच्छा, ऐड करने के लिए लिथालिटी हेलीकॉप्टर की, ये कैरी करता है फायर कंट्रोल रडार, इसके पास 360 डिग्री कवरेज है और नोज माउंटेड सेंसर है जो सूट करता है फॉर टारगेट एक्विजिशन एंड नाइट विजन सिस्टम्स के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के वाज ऑन बायलेटरल विजिट टू जापान, गए थे बायलेटरल विजिट के उसमें जापान में गए थे 2-3 सितंबर 2019 में, जो पहला बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ था जापान के ग्राउंड पे सेल्फ डिफेंस फोर्स और जो इंडियन आर्मी इन द एरिया ऑफ काउंटर टेररिज्म वो हुआ था धर्म गार्जियन, ये पहला हुआ था धर्म गार्जियन, ये हुआ था ऑटम ऑफ 2018 में, ठीक है, 2018 में हुआ था, याद रखिएगा, पहला जो एक्सरसाइज हुआ था बायलेटरल एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में, ठीक है। जापान इंडिया यूएस ये ट्रायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज जिसको हम लोग मालाबार 2019 कहते हैं, ये हुई थी फ्रॉम लेट सितंबर टू अर्ली अक्टूबर दिस ईयर, इस साल हुई है लेट सितंबर से लेकर अर्ली अक्टूबर तक मालाबार 2019। ये ट्रायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है जो कि जापान इंडिया और यूएस साथ में करते हैं। अच्छा, जो सेकेंड जापान इंडिया यूएस ट्रायलेटरल माइंड कंट्रोल मेजर्स एक्सरसाइज ये माइनेक्स ये हुई जुलाई में इस साल और एक्सप्रेस करा अपना रिजॉल्व कंटिन्यू करने के लिए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को सेम फ्रेमवर्क पे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, ठीक है, सेम तरीके से अगले साल जो है अगले साल से ये होना शुरू हो जाएगी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। जो कंडक्ट है जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जैमिक्स का वो 2018 में, और जो पहला बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ था जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स मतलब जास डीएफ और इंडियन एयर फोर्स मतलब शिन्यू मैत्री 18, ये हुआ था दिसंबर 2018 में, पहला हुआ था ये पहला पार्टिसिपेशन जो था जास डीएफ इंडिया यूएस बायलेटरल एक्सरसाइज कोप इंडिया, ये हुआ था दिसंबर में, ऑब्जर्व होगा एज ऑब्जर्व इन दिसंबर। अच्छा,
ग्लोबल फंड फॉर एड्स टीबी एंड मलेरिया जीएफटीएम के बारे में बात करें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया ने अनाउंस करा अपना कंट्रीब्यूशन करीब 22 मिलियन यूएस डॉलर्स का टू द ग्लोबल फंड फॉर एड्स टीबी एंड मलेरिया के लिए फॉर द सिक्स्थ रिप्लेसमेंट साइकिल 2020 से 22 तक के लिए एंड इंक्रीज ऑफ 10% ओवर द अमाउंट एट्रीब्यूटेड बाय यूएस इन द फिफ्थ साइकिल. एक इंक्रीज देखने को मिला है 10% का इस साइकिल से. करें तो अब हम बातें करें इसके बारे में और बातें जाने तो इंडिया जो है वो फर्स्ट इंप्लीमेंटिंग कंट्री है जो होस्ट कर रहा है रिप्लेनिशमेंट माइलस्टोन ऑफ अ ग्लोबल फंड एंड अब जो है बन गया है पहला अमंग G20 ब्रिक्स और इंप्लीमेंटर कंट्रीज में किसने अनाउंस करा है प्लेज सिक्स रिप्लेनिशमेंट कॉन्फ्रेंस का सेटिंग प्रेसिडेंट फॉर अदर डोनर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट जेनरसली फॉर द कॉज. अच्छा इंडिया जो है वो एडिक्वेटली फाइनेंस कर रहा है एफर्ट्स अकम्प्लिश करने के लिए हमारे गोल्स टीबी एचआईवी और मलेरिया के एलिमिनेशन के और विद एन इंक्रीज प्लस इंडिया ने जो है वो ऊपर बढ़ा है पास गया है डायरेक्शन में स्टेप करने की ग्लोबल फंड एफर्ट्स को ताकि मजबूत हो हेल्थ सिस्टम और सेव कर सके 16 मिलियन ज्यादा लाइफ को पूरे ही ग्लोब में. बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो की है मेथड टू एनहांस वाटर सिक्योरिटी. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है श्री टी मोहापात्र और DGICR और सेक्रेटरी डेयर ने हाईलाइट करा एफर्ट्स ICAR के साइंटिफिक वाटर मैनेजमेंट में इन द लाइन विद द जल शक्ति अभियान. कुछ बातें जान ले तो जो बेनिफिट्स हैं सेवरल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स के वो हैं करीब 35-40% वाटर जो है वो सेव करा जा सकता है और 20-25% रिडक्शन हो सकता है फर्टिलाइजर के यूज में इंश्योर कराया जाएगा स्केड्यूल करके इरीगेशन को. ठीक है मॉइस्चर जो सेंसर्स है और ऑटोमेटिक जो इरीगेशन सिस्टम है ये जो कंट्रोल करे जाते हैं फार्मर के द्वारा यूजिंग मोबाइल फोन ये हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि किस टाइम पे और कितना अमाउंट इरिगेशन जो है वो करना चाहिए फार्मर को. ठीक है फिर जो कंस्ट्रक्टिव यूज है वाटर का जो इंक्लूड करता है यूज ऑफ रिसाइकल वाटर एंड प्रॉपर सिलेक्शन क्रॉप्स का ये भी हेल्प करेगा इनहांस करने में वाटर की स्कार्सिटी. ठीक है और जो ऑल्टरनेटिव है लाइक कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स मिलेट्स बाजरा एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ये भी इंश्योर करेंगे कंस्ट्रक्ट करने में यूटिलाइजेशन वाटर का. अच्छा यूज करके बायोमल्च और हाइड्रोजेल जो कि इंश्योर करेंगे स्लो रिलीज है ना धीमे धीमे रिलीज होगा पानी का और यूटिलाइज होगा माइक्रोब्स का जो कि हेल्प करेंगे बढ़िया एफिशियंट एब्जॉर्प्शन करने में वाटर का. इससे क्या होगा कि फर्दर जो है रिडक्शन होगा और प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा वाटर का एग्रीकल्चर में. बटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है XTSENTR 2019 तो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इस साल जो एक्सरसाइज वो प्लान हुई है 9 सितंबर से लेके 27 सितंबर के बीच में एट डोंगहुस ट्रेनिंग रेंजेस ओरेनबर्ग रशिया में. कुछ बातें जाने तो एक्सरसाइज जो TSENTR 2019 है ये पार्ट है एनुअल सीरीज ऑफ लार्ज स्केल एक्सरसाइजेस का जो फॉर्म करती है पार्ट रशियन आर्म फोर्सेस एनुअल ट्रेनिंग साइकिल का. ये जो सीरीज है वो रोटेट करती है थ्रू 4 मेन रशियन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड 4 मेन रशियन ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के द्वारा ये सीरीज रोटेट करती है और रशिया होल्ड करता है एक मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल एट वन ऑफ इट्स 4 मिलिट्री कमांड है ना 4 में से 1 मिलिट्री कमांड में रशिया जो है वो एक्सरसाइज होल्ड करता है. तो जैसे कि वॉस्टॉक ईस्ट में जापान वेस्ट में TSENTR सेंटर में और कैलवार साउथ में. ये जो एनुअल एक्सरसाइज है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है एक इंटरनेशनल कैरेक्टर ले रही है ना विद बेलारूस पार्टिसिपेटिंग इन जापान 2017 में बेलारूस ने पार्टिसिपेट कर लिया था और चाइना और मंगोलिया ने पार्टिसिपेट किया था वोस्टोक 2018 में. इस साल इन्विटेशन पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो एक्सटेंड हुआ है 9 और कंट्रीज को. ठीक है होस्ट कंट्रीज जो होस्ट जो रशिया है उसके साथ साथ मिलिट्री कंटिजेंट चाइना से इंडिया से कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान पाकिस्तान और उस पाकिस्तान से भी पार्ट लेंगे इस मेगा इवेंट में. एक्सरसाइज है वो एम करती है इन्वॉल्व करना ड्रिल्स को पार्टिसिपेटिंग आर्मीज के और प्रैक्टिस करना इनको फाइट में अगेंस्ट द स्कोर्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म देयर बाय इंश्योर करती है मिलिट्री सिक्योरिटी को स्ट्रेटेजिक सेंट्रल एशियन रीजन में. ठीक है जो TSENTR 2019 है स्ट्रेटेजिक मेजर जो है वो फोकस करेंगे इवेल्युएट करने में लेवल ट्रूप के प्रिपेयरनेस का मतलब क्या लेवल है ट्रूप किस तरह से प्रिपेयर है एक्विजिशन जो कि रिक्वायर्ड स्किल का है वो रेज करना लेवल इंटर ऑपरेबिलिटी का और डेमोन्स्ट्रेट करना रेडीनेस है ना कितना तैयार है पार्टिसिपेटिंग आर्मीज कितना तैयार है उसको. ठीक है बाकी नेक्स्ट टॉपिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस स्कीम के बारे में तो कॉन्टेक्स्ट क्या है 4 सितंबर 2019 को
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यूजीसी के एडवाइस के द्वारा और एम्पार्ड एक्सपर्ट कमेटी के एडवाइस के द्वारा इश्यू करा ऑर्डर्स 5 पब्लिक यूनिवर्सिटीज को कि वो कन्वे करें अपने डिक्लेरेशन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमरजेंसी के तौर पे। कुछ बातें जान ले, तो जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें है IIT मद्रास है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब BHU है, IIT खड़गपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में, 28 इंडो थाई कॉर्बैट देते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये 28वां एडिशन इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल मतलब इंडो थाई कॉर्बैट का बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में कंडक्ट हुआ 5 से 15 सितंबर 2019 में। कुछ बातें जान ले, तो आयरन शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है अंडमान और निकोबार कमांड का है ना, ये पार्टिसिपेट करे हैं बाय एनुअल कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोल मतलब कॉर्बैट में विद इन रॉयल थाई नेवी सिंस 2003। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में बात करें, काफी न्यूज में रहता है हमेशा से ही। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद ने अनाउंस करा एक रोल आउट आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विसेज का बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कुछ बात इसके बारे में जाने, तो विद द लॉन्च ऑफ AEPS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विसेज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ये बन गया है सिंगल लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कंट्री में प्रोवाइड करने के लिए इंटरऑपरेबल बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर्स को किसी भी बैंक के बाय लिवरेजिंग द लास्ट माइल अनप्रेसिडेंटेड रीच टू द पोस्टल नेटवर्क। अच्छा, इंडिया जो पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 100% इक्विटी जो है वो ओन करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आंगन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंगन है ना, ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, ये फोकस कर रही है ऑन एनर्जी एफिशिएंसी है ना। ये ऑर्गेनाइज हुई बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुई। कुछ बातें इसके बारे में जान ले, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म टू डेलिब्रेट ऑन इंटरडिपेंडेंस किसके किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमिक सस्टेनेबिलिटी एंड फीडबैक लूप्स, ताकि बेटर रिसोर्स एफिशिएंसी पाई जा सके। अच्छा, गिवन द फॉर्मिडेबल चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एनर्जी ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द कंज्यूमर्स एट रीजनेबल कॉस्ट, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी इन हाई एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर्स है ना, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को हाई एनर्जी कंजम्पशन सेक्टर्स में, जैसे कि बिल्डिंग्स जो है अब बनेंगी मोर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट जो रही है इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी का, कि मतलब एक बिल्डिंग में कुछ ऐसा हो ताकि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, अब जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए इंडिया सेकंड मल्टी मॉडल टर्मिनल, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट करा नेशन को एक इंडिया का सेकंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल जो कि बिल्ड हुआ है साहिबगंज झारखंड में। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को इसका जो है वो इनॉग्रेशन हुआ। ठीक है, अब ये एक सेकेंड ऑफ द 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है रिवर गंगा पे। ठीक है, इनॉग्रेशन क्या हुआ, मतलब इन्होंने ये बताया कि भाई ये शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये सेकेंड है अगर 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बीइंग कंस्ट्रक्ट जो कि गंगा रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है अंडर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर। किस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है, ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंदर। पहले क्या था, नवंबर 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इनॉग्रेट करा था MMT को वाराणसी में। ठीक है, इसके पहले वाराणसी में, अभी क्या है झारखंड में। तो जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है साहिबगंज में, ये ओपन करेगा सारे ही इंडस्ट्रीज को झारखंड की और बिहार की ग्लोबल मार्केट में और प्रोवाइड करेगा इंडो नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी वाटर वेज के माध्यम से। ठीक है, ये प्ले करेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसपोर्टेशन में भी डोमेस्टिक कोल के लोकल माइन से राजमहल में, राजमहल एरियाज में, ताकि लोकल माइन जो है राजमहल एरियाज की, वहां से जो है वो वेरियस थर्मल पावर प्लांट तक मतलब जो कि लोकेटेड है नेशनल वाटरवे वन में। ठीक है, तो इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफी काम आएगा ये। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि 16th AEM इंडिया कंसल्टेशंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक मिनिस्टर्स फ्रॉम 10 एशियन मेंबर 10 एशियन मेंबर स्टेट से जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ कॉमन इंडस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब जो मिनिस्टर्स है वो मिले 10 सितंबर 2019 को बैंकॉक में थाईलैंड में फॉर द 16th AEM इंडिया कंसल्टेशन है ना। 16वीं जो है AEM इंडिया कंसल्टेशन में सारे लोग मिले।
कोई इसके बारे में जानते हैं, मिनिस्टर्स ने नोट करा एक ऑन गोइंग एफर्ट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ द एशियन इंडिया इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, एंड कुछ बातें और भी देखी आगे की तरफ कि फुल रेटिफिकेशन कैसे करा जाए सारी पार्टीज के द्वारा, है ना, जल्द से जल्द करा जाइए। जो मिनिस्टर्स है वो अग्री कर गए कि वो भाई इनिशिएट करेंगे रिव्यू एशियान का, मतलब इंडिया ट्रेड का गुड्स एग्रीमेंट में, मतलब आईटीका का, ताकि बनाए एक एफ्टा को ज्यादा जो है यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए और ट्रेड फैसिलिटेटिव बनाया जाए बिजनेस के लिए, और कॉन्स्टिट्यूट करें एक ज्वाइंट कमेटी को एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 17 ऑफ द आईटीका, है ना, इस पर्पज के लिए एक ज्वाइंट कमेटी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करा जाए। जो मिनिस्टर्स उन्होंने एक्सप्रेस करा अपना सपोर्ट फोर्थ एशियान, मतलब इंडिया बिजनेस सबमिट और बिजनेस एक्सलेंट अवार्ड के लिए, जो कि होगा मनीला में अक्टूबर 2019 में, ठीक है, अब तो हो चुका होगा। अच्छा, अचीवमेंट से हमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अंडरटेक करे कई सारे इनिशिएटिव को डायरेक्शन ऑफ इनेबल करने में अफोर्डेबल फ्लाइंग एंड हेल्दी एविएशन सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है, मतलब जो है एविएशन सेक्टर की ग्रोथ हो, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया टॉलेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, है ना, इंडिया का सबसे बड़ा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को इनॉग्रेट करा गया एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि इंश्योर करेगा कि स्केल अप हो बढ़िया से सर्विसेज और सिस्टम्स हो अच्छे से, ताकि एफिशिएंट स्मूथ और अनइंटरप्टेड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके। एविएशन जॉब्स एक यूनिक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जो देखता है कि एक साथ लाए जो लोग जॉब चाहते हैं और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को एक साथ लाए जो जॉब दे रहे हैं, जो जॉब चाहते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर में जॉब जो है उसकी कमी ना हो। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है इनेबल करने के लिए कैंडिडेट्स को कि वो रजिस्टर करें अपने जॉब के इंटरेस्ट को, ठीक है, कई सारे सब सेक्टर्स में, और सेम टाइम में फैसिलिटेट करता है कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का कैंडिडेट्स के द्वारा जो कि अवेलेबल है वो इसका जो है सोर्सिंग को मार्केट में बाय पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर्स, है ना, ये इसका व्यू क्या होगा कि इम्प्रूव हो प्रोस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट और रीएम्प्लॉयमेंट इन द सिविल एविएशन इकोसिस्टम। अच्छा, एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री है उसने कई सारे और इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि EDGCA, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो कंसेप्चुलाइज है कंप्लीटली ऑटोमेट द प्रोसेस एंड फंक्शंस ऑफ DGCA एंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टर्स के लिए, एज वेल एज टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज डिलीवरी फ्रेमवर्क। DGCA देखिए एक ऑनलाइन पोर्टल है रेगुलेट करने के लिए पूरा गेम्यूट एक्टिविटीज का, जो कि रिलेटेड है गवर्नेंस से और ऑपरेशन ऑफ रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, ड्रोन जो है उन्हें भी ऑपरेशनल बनाया गया है, वाइल इंश्योर करके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन ड्रोन ऑपरेशंस, है ना, ये हेल्प करेगा प्रमोशन में ड्रोन की टेक्नोलॉजीज को। अब एजहाज की बात करें तो 100% ऑफ सिक्योरिटी क्लीयरेंसेस जो पर्टेन करी है टू मिनिस्ट्री में, ये बनाई गई है ऑनलाइन ऑन एजहाज ऑनलाइन पोर्टल पे, जो की लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। पोर्टल है वो काफी ऑपरेशनल है ग्रांट करने के लिए क्लीयरेंसेस को इन रिस्पेक्ट ऑफ 24 कैटेगरीज। अब देखिए डीजी यात्रा की बात करें तो जो ट्रायल है फॉर रोल आउट ऑफ डीजी यात्रा इनिशिएटिव, ये स्टार्ट करा गया बैंगलोर में और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स में। जो इनिशिएटिव है वो इंसार्ज करता है सीमलेस और हैसल फ्री पैसेंजर ट्रैवल को यूज करके बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज, ताकि इम्प्रूव करें पैसेंजर का एक्सपीरियंस, रिड्यूस करें उसकी जो लाइन में खड़ा होता है वो, उसमें जो टाइम बर्बाद होता है वो सब भी इम्प्रूव करें। इस साथ में रिमूव करेगा रिडंडेंसीज को चेक पॉइंट्स पे और एनहांस करेगा सोर्स यूटिलाइजेशन। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है NCST रिकमेंडेशंस, सॉरी NCST रिकमेंड्स इंक्लूजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स है वो रिकमेंड करती है कि इंक्लूजन हो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का अंडर 6 स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कुछ बातें जाने तो जो कमीशन है वो लेती है नोट ऑफ द फैक्ट दैट जो न्यूली क्रिएटेड यूटी है लद्दाख की, ये प्रोमिनेंटली ट्राइबल रीजन है कंट्री का। जो रीजन है वो इनहेबिटेड करा जा रहा है कई सारी ट्राइब के द्वारा, जैसे बाल्टी, बेदा, बोध, बोटो, ब्रोकपा, द्रोकपा, दर्द, सिंध, चांगपा, गर्रा, मो और पुरिकपा। अब देखिए
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए रांची में। कुछ बातें जाने तो ये एक पेंशन स्कीम है फॉर दी व्यापारी, मतलब शॉपकीपर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए, जिसमें जिनका जो है एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर ना हो। ठीक है, अच्छा, नेशन वाइड जो लॉन्च हुआ तो फैसिलिटी जो थी इनरोलमेंट की अंडर द स्कीम ये काफी अवेलेबल थी, है ना, टू द पर्सपेक्टिव बेनिफिट बेनिफिशियरीज के लिए थ्रू 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा, है ना, पूरे ही कंट्री में 3.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है इसमें एनरोल कराने के लिए। तो जो एलिजिबल व्यापारीज है वो विजिट कर सकते हैं अपने पास वाले CSEs में, मतलब आपका कॉमन सर्विस सेंटर्स में, और अपने आप को एनरोल वहां पे करा सकते हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, एनरोलमेंट के टाइम पे जो बेनिफिशियरीज है उनको रिक्वायर है कि उनके पास आधार कार्ड हो और एक सेविंग बैंक या जनधन अकाउंट की पासबुक हो। ठीक है, GSTN की जरूरत है उन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है। जो एनरोलमेंट है अंडर द स्कीम ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बेनिफिशियरीज के लिए, और जो एनरोलमेंट है ये बेस्ड है सेल्फ सर्टिफिकेशन पे। ठीक है, ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है फॉर द एज ऑफ 80-40 ईयर्स तक के लोगों के लिए। इसमें प्रोविजन है मिनिमम अशोर्ड पेंशन का 3,000 रुपए पर मंथ अगर आप 60 साल जो है वो क्रॉस कर लेते हो। उसके बाद जो बेनिफिशियरी है वो जो है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और यही मेंबर होना चाहिए EPFO या ESIC या NPS गवर्नमेंट में। ठीक है, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गिरेगी 50% शेयर मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पे और बाकी का 50% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया जाएगा बेनिफिशियरी के द्वारा। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडिया जॉइन द ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया ने ज्वाइन करा ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब को एज अ न्यू मेंबर। कुछ बातें इसके बारे में जाने तो एक्सपैंड कर देगा ग्लोबल पार्टनरशिप वर्किंग एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस और इंप्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को इन ग्लोबल AMR R&D 16 कंट्रीज में, जो यूरोपियन कमीशन है, 2 फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशन में और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज ऑब्जर्वर्स। ठीक है, जो ऑब्जर्वर के तौर पे काम करेंगे। जो ग्लोबल AMR और R&D हब है वो लॉन्च हुआ था May 2018 में इन द मार्जिन ऑफ द 71st सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फॉलोइंग अ कॉल फ्रॉम G20 लीडर्स इन 2017। जो ग्लोबल AMR R&D हब सपोर्ट करता है ये ग्लोबल प्रायोरिटी सेटिंग को और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर AMR R&D, किसके द्वारा आइडेंटिफाई करके गैप्स को ओवरलैप करके और पोटेंशियल करके क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन को और लेवरेजिंग इन AMR R&D में। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो ऑपरेशन है ग्लोबल AMR R&D का, आपका ये सपोर्ट करा जा रहा है कई सारे सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो कि एस्टैब्लिश है, सॉरी, एक सेक्रेटेरिएट के द्वारा जो कि एस्टैब्लिश है बर्लिन में और करेंटली फाइनेंस कर रहा है थ्रू ग्रांट्स वगैरह के द्वारा, है ना, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो ग्रांट दे रही है और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसको ग्रांट दे रही है। इस साल से इंडिया जो है वो मेंबर हो जाएगा बोर्ड ऑफ मेंबर्स का ग्लोबल AMR R&D हब का। ठीक है, AMR है एक एबिलिटी है माइक्रोब की रेजिस्ट करने के लिए एफेक्ट्स मेडिकेशन के, है ना, जो एक दैट कुड दैट वंस कुड सक्सेसफुली ट्रीट द माइक्रो। ट्राइफेड GIZ, देखिए तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च करा एक बिजनेस ट्राइबल मूवमेंट प्रमोट करने के लिए ट्राइबल एंटरप्राइज को थ्रू बैम्बू नो मिक्स इन द कंट्री। कुछ बातें जाने में ट्राइबल ट्राइफेड इंट्रोड्यूस करा इन्होंने 4P1000 इनिशिएटिव, मतलब ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बू नॉमिक्स। तो जो 4P1000 इनिशिएटिव है वो इंटरनेशनल इनिशिएटिव है 4 per 1000 जो कि लॉन्च हुआ है फ्रांस के द्वारा December 1, 2015 में एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में, जो कंसिस्ट करता था फेडरेटिंग ऑल वॉलंटरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो ट्राइफेड है वो इन्वॉल्व करेगा ट्राइबल कम्युनिटी को हमारे भारत की जो फॉर रिहैबिलिटेटिंग द डिग्रेडेड लैंड, है ना, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं आप डिग्रेडेड लैंड को बिना किसी कंप्रोमाइज के इनकम के ऑफ द पुअर इन द गार्ब ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली डेवलपमेंट। जो बैम्बू नॉमिक्स है वो डिजाइन करा गया है इस तरह से कि वाइल डूइंग द एनवायरमेंटल सर्विसेज ट्राइबल विल बी अर्निंग। ठीक है, एनवायरमेंटल सर्विस करने के साथ साथ ट्राइबल को इनकम भी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंटर्स इनटू अलॉटमेंट अग्रीमेंट विद द WBPDCL। तो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटर कर गई है इनटू एन अलॉटमेंट अग्रीमेंट किसके साथ में, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड WBPDCL के साथ में रिगार्डिंग द देवचा पांचवी देवनगंज हरी शिंगा कोल ब्लॉक के
रिगार्डिंग, ठीक है। ECGC ने इंट्रोड्यूस करा है निर्विक इनहांस करने के लिए लोन केबिलिटी एक्सपोर्टर्स के लिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है अपने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एक नया एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम जिसे हम लोग निर्विक कह रहे हैं, ताकि इनहांस हो लोन केबिलिटी और ईज हो लैंड करने में, ठीक है, मतलब प्रोसेस लोन वगैरह देने में। अब देखिए जो स्कीम है वो अनाउंस करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट हो। कब अनाउंस करी गई है, 14 सितंबर 2019 में न्यू दिल्ली में। अब देखिए मेजर्स टू एनहांस आईपीआर इकोसिस्टम थ्रू लोअर फीस, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिया जो है वो कुछ मेजर्स ले रहा है स्ट्रेंथन करने में अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम को। कुछ बातें जाने हैं, तो रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्चरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन द नॉलेज इकोनॉमी, इंडिया जो है वो ले रहा है कुछ अच्छे एफर्ट ले रहा है ताकि स्ट्रेंथन हो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम। तो जो मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी है वो यूज करी गई है एड्रेस करने के लिए इशू पेंडेंसी का आईपी एप्लीकेशंस में, इंक्लूडिंग मैनीफोल्ड ऑगमेंटेशन ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स। ये जो स्ट्रेटेजीज हैं ये पे कर रही है रिच डिविडेंड्स एंड यहाँ पे जो है शार्प जंप है डिस्पोजल में आईपी एप्लीकेशंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है एक स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। किसने करा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। कुछ इसके बारे में बात जाना, तो जो सिस्टम है वो डेवलप हुआ है कंसल्ट करके विद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ में ऑन पैटर्न ऑफ यूएस स्टील, है ना, इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, ठीक है। किसके पैटर्न पे है, यूएस स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम के है, मतलब सीमा के उस पे जो है वो है ना डेवलप किए गए हैं। तो ये सिम्स जो है, ठीक है, ये जो है ये प्रोवाइड करेगा एडवांस इंफॉर्मेशन स्टील इंपोर्ट के हैं फील्ड में, गवर्नमेंट को देगा ये एडवांस इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स को देगा इंक्लूडिंग स्टील इंडस्ट्री मतलब प्रोड्यूसर, स्टील कंज्यूमर, इंपोर्टर्स, ताकि इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन हो सके। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। कुछ बातें इसके बारे में जाने, तो ये जो प्लेटफॉर्म है एक सिंगल एक्सेस पॉइंट रहेगा सारे एक्सपोर्टर्स के लिए, सारे ही FTAs और PTAs हैं एंड सारी एजेंसीज के लिए, ठीक है। जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है ये इशू किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो पेपरलेस फॉर्मेट में होगा अगर अग्रीड हुआ बाय द पार्टनर कंट्रीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मेडन इन RSN RTN ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कमेंसेस। तो जो मेडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी RSN है इसमें, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, फिर रॉयल थाईलैंड नेवी RTN है और इंडियन नेवी IN है ना, ये हुई सितंबर 2019 में। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है नेवीज के बीच में, ठीक है। मैत्री 2019, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि थाईलैंड की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2019 कमेंस हुई मेघालय में। कुछ बातें जान लें, तो एक्सरसाइज मैत्री जो है वो एनुअल बायलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी मतलब के बीच में और रॉयल थाईलैंड नेवी मतलब सॉरी रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच में, RTA के बीच में, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा किसके किसके बीच में है, हमारी इंडियन आर्मी और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, तो ये है रॉयल थाईलैंड नेवी के बीच में मैत्री हम लोग करते हैं। तो जो एम है एक्सरसाइज का वो है जॉइंट ट्रेनिंग ट्रूप्स को, मतलब द एम ऑफ एक्सरसाइज इज जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स, जॉइंट ट्रेनिंग हो ट्रूप्स की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में, दोनों ही जंगल टेरिन में और अर्बन सिनेरियो में भी, ठीक है। इंडिया स्कूलिंग एक्शन प्लान देखिए, तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इंडिया जो है बन गया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में जिसने लॉन्च करा कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान 2019 में। अच्छा कुछ बातें जाने, तो इंडिया का जो कूलिंग प्लान है उसका लॉन्ग टर्म विजन है ना, लंबा इसका विजन है एड्रेस करने के लिए कूलिंग रिक्वायरमेंट अक्रॉस सेक्टर्स जैसे कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स, कोल्ड चेन में, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। ये लिस्ट करता है कई सारे एक्शन जो हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में कूलिंग की डिमांड, है ना, और जो हेल्प करेगा कि रिड्यूस होगा दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमिशन भी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसरो और DRDO INK माउस फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसरो और DRDO मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग को जो है लिंक करते हैं ताकि प्रोवाइड करें टेक्नोलॉजीज ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम के लिए ह्यूमन स्पेस मिशन में। इसके बारे में जाने, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है इसने हाथ मिला लिया डिफेंस
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ में, ताकि डेवलप मतलब किस इनिशिएटिव के लिए, ताकि डेवलपमेंट करें ये लोग मिलके साथ में ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम्स का फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज. बट द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र सक्सेसफुली जो है इसने फ्लाइट टेस्टेड, ये जो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हुई है फ्रॉम SU-30 MKI. कॉन्टेक्स्ट क्या है, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड करा फ्रॉम SU-30 MKI. कुछ बातें इसके बारे में जाने, तो एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र जो है वो सक्सेसफुली फ्लाइट मतलब हुई 16 सितंबर को ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा से हुई जो मिसाइल है वो लॉन्च हुई फ्रॉम SU-30 MKI एज अ पार्ट ऑफ यूजर ट्रायल. तो जो लाइव एरियल टारगेट रहे वो इंगेज रहे एक्यूरेटली डेमोन्स्ट्रेट करने में कैपेबिलिटी फर्स्ट इंडिजिनियस एयर टू एयर मिसाइल की. जो मिशन प्रोफाइल था वो एग्जीक्यूट करा गया इन टेक्स्ट बुक मैनर. तो कई सारे रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम एंड सेंसर्स ये ट्रैक करा मिसाइल को और कन्फर्म करा इसकी इंगेजमेंट टारगेट के साथ में. बट दे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो ये क्लाइमेट समिट फॉर इनहांस एक्शन एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई एक डिस्कशन पेपर जिसका टाइटल था क्लाइमेट सबमिट फॉर इनहांस एक्शन एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव फॉर इंडिया. स्कॉर्पियन सबमरीन खंदरी कॉन्टेक्स्ट क्या है, मजागोन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने डिलीवर करा सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन खंदरी को इंडियन नेवी को. बातें जाने तो मजा गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है का शिप बिल्डर टू द नेशन भी कहते हैं. ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सर्विस नेशन को विद मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर. इन्होंने डिलीवर करा सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन खंदेरी को इंडियन आर्मी को. जो सबमरीन है वो जल्दी जो है वो कमीशन करी जाएगी इंडियन नेवी के द्वारा. सॉरी इंडियन नेवी को किया, सॉरी मैंने इंडियन आर्मी बोला यहाँ पे, इंडियन नेवी को किया. ये एक माइलस्टोन इवेंट है एमडीएल का, ठीक है. बट द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो की है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एचआरडी है उन्होंने अनाउंस करा नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी मतलब नीट की स्कीम बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए, ताकि अच्छे से लर्निंग आउटकम्स निकले हायर एजुकेशन में. इसके बारे में जाने तो मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है मतलब एचआरडी जो मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस करा एक नया पीपीपी स्कीम को नेशनल एजुकेशन अलायंस को टेक्नोलॉजी को मतलब नीट को यूज करने के टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से ताकि उसके लर्निंग आउटकम जो हो अच्छे हो हायर एजुकेशन में, ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई टेक्नोलॉजी का ताकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा पर्सनलाइज्ड हो और कस्टमाइज हो, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूजर की. बट द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल 112 ई बीट बुक सिस्टम और ई साथी ऐप. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि श्री अमित शाह ने लॉन्च करा है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS डायल 112 को और ई बीट बुक सिस्टम और ई साथी ऐप को भी. तो इसके बारे में जान ले तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च करा 3 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को चंडीगढ़ में. और जो सर्विसेज है वो इंक्लूड करती है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये मैंने आपको बता दिया, ई बीट और बाकी ई साथी ऐप और ERSS, ठीक है. बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो सारे एरियाज हैं इंटरेस्टेड जो है विल फंक्शंस ऑफ अर्बन प्लानिंग के वो इंक्लूड हुए हैं इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, ठीक है, 2020 में. तो सारे एरियाज हैं जो कि नोटिफाइड है प्लानिंग स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ एनी सच अथॉरिटी अंडर स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर. कोई भी जो अथॉरिटी है जो स्टेट सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर है जो कि इंटरेस्टेड है विद द फंक्शंस ऑफ अर्बन प्लानिंग से रेगुलेशन से डेवलपमेंट फंक्शन से, ये अकेन टू सैनिटरी लोकल बॉडीज फॉर ऑल पर्पज इंक्लूडिंग सैनिटेशन हैव बीन इंक्लूडेड. सारे ही जो जितने भी अथॉरिटीज हो गई ये सारी बॉडीज को इंक्लूड करा गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, ठीक है. बट द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कारगिल टू कोहिमा K2K अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन कॉन्टेक्स. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि जो कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन ये फ्लैग ऑफ हुई फ्रॉम कारगिल वॉर मेमोरियल से ड्रास से जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है. अच्छा, कम्युनिकेट करने के लिए 20th कारगिल फैक्ट्री को एंड टू लिव अप करने के लिए ट्रू एडिशन एंड मोटो ऑफ IAF दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी. एक यूनिक एक्सपेडिशन कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन जो है उसे अंडरटेक करा गया IAF के द्वारा कारगिल वॉर मेमोरियल ड्रास मतलब जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि वहां से लेके कोहिमा वॉर सीमेंट्री कोहिमा नागालैंड तक के लिए ये करा गया, इनके द्वारा अंडरटेक करा गया, किसके द्वारा IAF के द्वारा.
But the next topic is leather sector has the potential to create 2 million jobs in the next 5 years. बस context इतना है कि minister जो है skill development and entrepreneurship की उन्होंने कहा कि leather sector है उसके पास potential है create करने का 2 million job को अगले 5 सालों में. ठीक है, अब कुछ और बात भी जान ले तो skill development and entrepreneurship distribute करते हैं certificate RPL trainees को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के under. अच्छा, इसमें भी कुछ बातें जान ले कि लॉन्च ऑफ मोची स्वाभिमान इनिशिएटिव, तो एक नेशन वाइड एफर्ट है जिसमें LSSC जो है वो सपोर्ट करेगा कॉबलर कम्युनिटी को जो प्रोवाइड करेंगी लेदर बेस्ड सर्विसेज विद CSR फंड, इंश्योर करना कि ताकि जो उनका वर्क है वो डिग्निफाइड मैनर में हो जाए. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो पीएम ने रिसीव करा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड को फ्रॉम स्वच्छ भारत अभियान. तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिसीव करा ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड बाय बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा फॉर स्वच्छ भारत अभियान के लिए. तो कब मिला इनको, 24 सितंबर 2019 में. कुछ बातें जान लें, अवार्ड सेरेमनी है वो हुई ऑन द साइड लाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में न्यूयॉर्क में. ठीक है, बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो लीडरशिप मैटर्स रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड इकोसॉक चैम्बर. कॉन्टेक्स्ट ये रहा है कि कॉमेमोरेट करने के लिए 150th बर्थ एनिवर्सरी हमारे महात्मा गांधी जी की, तो ग्लोबल आइकन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने होस्ट करा एक हाई लेवल इवेंट ऑन द साइड लाइन ऑफ द 74th UNGA इन द इकोसॉक चैम्बर ऑफ द UN हेडक्वार्टर्स. कुछ बातें इसके बारे में जान ले, तो जो इवेंट है वो ग्रेस करा गया है बाय HE मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN, HE मिस्टर मून जे इन प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया के, एच मिस्टर ली हिसांग सॉरी सांग लू प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर के, फिर मिस शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हमारी पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की, मिस्टर एंड्रयू हॉलिस प्राइम मिनिस्टर जमैका के, और मिसेस मिस जैकसिंडा आर्डर्न प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की. नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं सीपी ग्राम्स रिफॉर्म्स इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि MOS डिपार्टमेंट DOPNT पर्सन एंड ट्रेनिंग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च करा सीपी ग्राम्स रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में. तो इसके बारे में जान ले, तो रिफॉर्म है वो लीड करेगी रिडक्शन होगा ग्रीवेंसेस का दुख दुखड़े का. ठीक है, उसका जो डिस्पोजल टाइम है उसका कम होगा और इंप्रूव क्वालिटी होगी दुख दुखड़े को दूर करने की. ठीक है, प्रगति एक प्रो एक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मेथड है, दुख को कम करने का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड है. रिव्यूज करता है मीटिंग्स को जहां पे प्राइम मिनिस्टर खुद रिव्यू करते हैं स्टेटस पब्लिक ग्रीवेंसेस का. ठीक है, बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पोषण माह इवेंट. तो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइज करा पोषण माह इवेंट को न्यू दिल्ली में. इसके बारे में जानेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये पार्ट है पोषण माह का और रीच आउट करी है सारे इंप्लॉयज और विजिटर को ताकि क्रिएट करें अवेयरनेस रिगार्डिंग सिंपल सोल्यूशन ऑफ एनीमिया एंड डायरिया. ठीक है, अच्छे सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन निकाले जाए एनीमिया जो कि खून की कमी से होता है और डायरिया. तो मिनिस्ट्री ऑफ WCD है उन्होंने इनॉग्रेट करा है टेस्ट ट्रीट एंड वॉक मतलब T3 टेस्ट ट्रीट एंड टॉक टेस्ट ट्रीट एंड टॉक T3 एनीमिया और डिफीट D2 कैंप न्यू दिल्ली में. ठीक है, एनीमिया टेस्ट ट्रीट एंड टॉक है देगा एक हीमोग्लोबिन स्टेटस और साथ में ऑफर करेगा काउंसलिंग सर्विसेज भी ताकि प्रिवेंशन रहे एनीमिया का. जो यूज होगा ORS और जिंक टैबलेट्स का डायरिया के लिए, ये कंट्रोल करेगा काउंसलिंग और काउंसलिंग करेगा सर्विसेज को ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायरिया आर ऑफर्ड एट द कैंप. है ना, ये सारी चीजें जो है वो ऑफर करी जाएंगी कैंप में. बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टली डायरेक्ट करा वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्यूरिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन इन महाराष्ट्र एंड हरियाणा के टाइम पे. इसके बारे में जाने, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI है ना, ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स ने अग्री करा कि वो ऑब्जर्व करेगा वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स को सारे लेक्चर इलेक्शन के टाइम पे फ्यूचर इलेक्शन के टाइम पे इंक्लूडिंग ऑन गोइंग जनरल इलेक्शन जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हो रहे थे. ठीक है, और जो IAMAI है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर गूगल शेयर चैट और टिकटॉक इन्होंने प्रेजेंट करा और ऑब्जर्व करा इसे वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन और 2017 लोकसभा 2019 के लिए. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ये कॉन्टेक्स्ट देखें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके विद मेजर इंडिकेटर सिस्टम ये सक्सेसफुली टेस्ट कर दी गई. सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो फायर हुआ मतलब सक्सेसफुली टेस्ट फायर. अच्छा, इसके बारे में जान लें, ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका फीचर करती है इंडियन
प्रोपल्शन सिस्टम को, एयर फ्रेम, पावर सप्लाई और दूसरे कुछ मेजर इंडिजीनियस कंपोनेंट्स को एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुई फ्रॉम आईटीआर चंदीपुर इन उड़ीसा में, जो मिसाइल है वो सक्सेसफुली टेस्ट करी फॉर ऑल इट्स फुल ब्लेस्ट ऑफ 290 किलोमीटर ड्यूरिंग द लॉन्च जॉइंटली कनेक्टेड बाय डीआरडीओ एंड ब्रह्मोस एरोस्कोप वैल्यू के द्वारा 10 बूस्टर करा इंडिया की डिफेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीआईबी कंप्लीट होता है यहाँ का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज